सभी धर्मों के लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जितने भी धर्म हैं भारत में, और जो मेरे सिख समाज के लोग हैं उनको बड़ा सैल्यूट करना चाहती हूँ। बड़ा मान सम्मान उनके घर पे मैं रुकी, बड़ा मान सम्मान इज्जत उन्होंने मुझे बख्शी और अपनी बेटी बनाया। सभी धर्मों के लोगों ने मेरी बहुत इज्जत की, सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे। और आज जितने भी लोग इस किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, इन बिलों के खिलाफ हैं, सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और वादा करती हूँ कि आपसे मैंने जो वादा किया है, चाहे कुछ हो जाए, हम वो वादा सच वाला निभाएंगे। झूठ वाला निभाने के लिए हमसे उम्मीद ना करें। अगर ये बिल वापस नहीं हुए तो क्या आप दोबारा उत्तर प्रदेश में जाएंगी किसी जनसभा को संबोधित करने के लिए? देखिए, अगर ये बिल वापसी ना हुआ तो ये किसान कहीं ना गया तो हम भी जाएंगे, जहाँ ये जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, जहाँ ये कहेंगे वहाँ हम रहेंगे। कोई आफत थोड़ी है बात में, मैं घना ज़्यादा दिक्कत में होगी, तबीयत भी खराब होगी और मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ी, तो रेस्ट रहे ना तो मैं ना पढ़ी। दूसरी बात, किसी सच्चे इंसान को आप ऐसा कहें वो गलत है, किसी झूठे को आप ऐसा कहें तो बिल्कुल सच है, ठीक है। और पहले जब तक मेरा तो मामला ही ऐसा होगा, भैया एक शब्द मुंह से निकालूं, अगर कुछ गलती हो गई तो सबसे पहले उड़ेगा। तो जब तक मैं इस बात का पूरा जांच न कर लूं तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगी। माफ़ी चाहती हूं मैं सभी से। प्रमाण है मेरे पास? प्रमाण छोड़िए, प्रमाण तो बड़े बड़े प्रमाण हैं, रहन दीजिए। आप देखा नहीं आपने हमारे टिकैत अंकल जी के साथ जी न्यूज वाले क्या कर रहे थे, एंकर वो क्या कर रहे थे, प्रमाण तो बड़े बड़े हैं। जब आप चिट्ठी मेरे साथ पूनम पंडित हैं तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से उनका जो पिछले 3-4 दिनों का सफर रहा कैसा रहा। मैम, जिस तरह से आप वहाँ पे गईं और पुलिस आगे आगे या पीछे पीछे, और आप उसके आगे आगे पीछे पीछे, कैसा रहा? बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार, देखिए अनुभव सारे लेने चाहिए जी, तो ये वाला अनुभव भी शायद इन फ्यूचर कोई काम आए जी, हो सकता है ना, क्योंकि अब तो हम बन गए इनके परिवार के, किसान परिवार से हैं, इनके बन गए हैं, तो अब इनके लिए पता नहीं हमें क्या क्या करना पड़े। तो अनुभव बड़ा अच्छा रहा, पुलिस प्रशासन का काम देख के बड़ा अच्छा लगा, सैल्यूट है वहाँ के प्रशासन को, इतनी मेहनत से आप लोग लगे हुए थे। जिस तरह से आपको एक आपने बताया कि कॉल आई कि आपको खतरा है, तो ये खतरा किससे था, प्रशासन से था या किसी मतलब दूसरे अन्य लोगों से? अन्य लोगों से था। देखिए, मैं प्रशासन को नहीं घसीटूंगी, प्रशासन ने बहुत अपना काम किया, अच्छी बात है। देखिए, वो नौकरी किस चीज़ की करते हैं, पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, अपना काम जिम्मेदारी से निभाएं, इसी चीज़ का तो लेते हैं, तो मैं तो उनके लिए गलत नहीं कहूँगी, धन्यवाद करूँगी। और लोगों से मुझे प्रॉब्लम थी और आने में इसलिए मुझे तकलीफ़ होनी पड़ी, वाहन बड़े बदलने पड़े, स्कूटी, गाड़ी, मोटरसाइकिल, बुलेट, पता नहीं क्या क्या मैंने आने में लिया, बड़ी तकलीफ़ हुई। तो मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस सिर्फ और सिर्फ आपकी सिक्योरिटी को लेकर परेशान थी कि उनके प्रदेश में आपको कोई हानि ना हो, इसीलिए वो आपके आगे पीछे आपको? प्रदेश तो हमारा भी तो है भैया, वो प्रदेश वाला बाबा है भी, पूरी केकरो हमारे उनके ज़िले में कोई हानि ना हो, शायद इसलिए वो वहाँ थे। हम उनके ज़िले में ना वार्ता कर पाए, कोई नहीं चाहता था कि हम वहाँ वार्ता कर पाए, किसानों को संबोधित करें, आह्वान करें किसानों का, शायद इसलिए वो लोग हों, तो कई सारे मीनिंग बनते हैं। लेकिन मेरी सिक्योरिटी उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, तो मैं इसलिए उनको ये वाली बात बिल्कुल नहीं कहूंगी। लेकिन दिक्कत क्या है, जब डेमोक्रेटिक राइट है हर किसी का, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया इस बिल के मध्य में कि कहा है कि कोई भी आदमी, कोई भी किसान देश का, इस देश के अंदर संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज को उठा सकता है, इसका विरोध कर सकता है अगर वो खुश नहीं है, तो आप कर रही तो भी क्या दिक्कत है? देखिए, हमें पता नहीं क्या दिक्कत है, और हम जिस तरीके से गए, हमारे वहाँ बात करने की वीडियो है, हमने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिए, हमने सबसे अच्छे से आने के लिए बोला, रिक्वेस्ट की, आह्वान किया देश के किसानों का, तो ऐसा तो मैंने वहाँ कुछ बोला नहीं कि वो मुझे दूसरी सभा न करने दे रहे थे, ठीक है। लेकिन आप इसे सिक्योरिटी मान लीजिए, या बोले आवाज़ आ रही थी, अरे भैया पूनम पंडित नाम की आंधी आ रही है उसको रोको, शायद इसलिए हो सकता है, लेकिन अपना काम वो जिम्मेदारी से कर रहे थे, अच्छी बात है। बाकी जो सच होता है वो कभी छुपता नहीं है, और बड़ी तकलीफ मुझे वहाँ तक पहुँचने में हुई दूसरी सभा में। पहली सभा में जो हुई वो तो बहुत नामात्र थी, दूसरी सभा में मुझे हुई, वहाँ से वापस आने में मुझे और लोगों से तकलीफ़ होने लगी, और लोगों से मेरी पता लगा, महसूस हुआ, पता लगा, और लोगों के फ़ोन के जरिए, सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश में गाड़ियाँ बहुत पलटती हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पूनम पंडित के आ जाने की वजह से उनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक रही है, उनको ये इनसिक्योरिटी हो रही है कि पूनम पंडित कहीं चुनाव में तो नहीं आएंगी? देखिए, पहली बात, हम एक बात बहुत बार बोल चुके हैं कि हम किसी पार्टी को वो नहीं करते, किसी भी पार्टी को, हमारे ये इतने सारे लोग, इतने सारे भाई, हमारे इतने सारे बुज़ुर्ग हमें ये कहेंगे कि बेटा तुम्हें आदेश देते हैं हल चलाओ, तो हम हल चला लेंगे, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे किसान भाई, ठीक, और युवा कहेगा तो हम हल चला लेंगे। अगर वो कहेंगे कि हमें रोजगारी में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बहन, हमारा ये सहयोग करो, वो करेंगे। अगर ये लोग कहेंगे कि हमारे किसानों में दिक्कत हो रही है, बड़े बड़े नेता हो रहे हैं, तो बेटा थोड़ा यहाँ भी योगदान दीजिए, तो वो भी देंगे।
क्योंकि अब तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। एक लास्ट मेरा आपसे प्रश्न है कि जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश में गई और वहाँ की जो ऑर्गेनाइजर कमेटी थी उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में तो दिल से सैल्यूट करना चाहती हूँ। जितने भी मेरे भाई मेरे आसपास लगे हुए, जितने भी किसान आए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी धर्मों के लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जितने भी धर्म हैं भारत में। और जो मेरे सिख समाज के लोग हैं उनको बड़ा सैल्यूट करना चाहती हूँ। बड़ा मान सम्मान उनके घर पर मैं रुकी, बड़ा मान सम्मान इज्जत उन्होंने मुझे बख्शी और अपनी बेटी बनाया। सभी धर्मों के लोगों ने मेरी बहुत इज्जत की, सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे। और आज जितने भी लोग इस किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, इन बिलों के खिलाफ हैं, सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और वादा करती हूँ कि आपसे मैंने जो वादा किया है, चाहे कुछ हो जाए, हम वो वादा सच वाला निभाएंगे। झूठ वाला निभाने के लिए हमसे उम्मीद ना करें। अगर ये बिल वापस नहीं हुए तो क्या आप दोबारा उत्तर प्रदेश में जाएंगी किसी जनसभा को संबोधित करने के लिए? देखिए, अगर ये बिल वापसी ना हुआ तो ये किसान कहीं ना गया तो हम भी जाएंगे। जहाँ ये जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, जहाँ ये कहेंगे वहाँ हम रहेंगे। कोई आफत थोड़ी बात में एक मतलब अभी न्यूज आई थी कि आपके चुटानी साहब हैं, उनका आरोप लगाया है 10 करोड़ रुपए लेकर के वो मतलब आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। कौन कौन साहब, कौन साहब? चुटानी साहब जो यूनियन के नाम से चुटाने हैं, 10 करोड़ रुपए लेकर के जी सरकार हरियाणा को गिराने के लिए आरोप लगाया है। झूठा जी। देखिए, मुझे तो यही कहना, ना तो मैंने वो अभी तक न्यूज भैया पढ़ी, क्योंकि टाइम ना मिला। बॉर्डर पे सुहाने में घना ज्यादा दिक्कत में होगी, तबीयत भी खराब होगी और मशक्कत ज्यादा करनी पड़ी, तो रेस्ट रहे, ना तो मैंने वो पढ़ी। दूसरी बात, किसी सच्चे इंसान को आप ऐसा कहें वो गलत है, किसी झूठे को आप ऐसा कहें तो बिल्कुल सच है, ठीक है। और पहले जब तक मेरा तो मामला ही ऐसा होगा, भैया एक शब्द मुंह से निकालूं, अगर कुछ गलती हो गई तो सबसे पहले उड़ेगा। तो जब तक मैं इस बात का पूरा जांच न कर लूं तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगी। माफ़ी चाहती हूँ मैं सभी से। प्रमाण है मेरे पास, प्रमाण छोड़िए, प्रमाण तो बड़े बड़े प्रमाण हैं। रहन दीजिए, आप देखा नहीं आपने हमारे टिकैत अंकल जी के साथ जी न्यूज वाले क्या कर रहे थे, एंकर वो क्या कर रहे थे। प्रमाण तो बड़े बड़े हैं, जब आप चिट्ठा लेके बैठेंगे, पूरी बुक निकालने के लिए बैठेंगे, तो प्रमाण तो पता नहीं कितने कितने खुलेंगे, कितने कितने राज खुलेंगे, ये भी आप जानते। जब तक नहीं मैं कुछ कह सकती, जब तक मैं नहीं खुद मिली, बिल्कुल जब तक मुझे जानकारी नहीं होगी, ना मुझे जानकारी है, ना मैं उनसे मिली हूँ और ना उनके किसी व्यक्ति से मिली हूँ। अगर अनजाने में जिस तरह हिंदुस्तान के अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक 4 किलोमीटर अंदर तक जाके एक गांव बसा देते हैं और भारत सरकार को किसी भी तरीके से पता नहीं चलता है, इसके बारे में क्या कहना है? यूं ही तो हम कहने चाह रहे, जो इतनी सिक्योरिटी है इसका सही इस्तेमाल करें। रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है हाथ जोड़ करके और अब की बार पैर पकड़ के भी, पैर पकड़ के भी अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जो वहाँ गांव बसाया, ये जो सिक्योरिटी आपने इन किसानों की धर रखी है छाती पे, वहाँ भी थोड़ी सी भेजें। और जो वो हमारी ज़मीन पे घर बनाने, उन्हें छीन ले मैं उनसे, क्योंकि हमारी ज़मीन है, उस बात पे ज़्यादा ध्यान दें मैं। यहाँ तो अपने लोग हैं, घर के लोग, परिवार के लोग बैठे आराम से आंदोलन कर रहे हैं। जब मर्जी परिवार को तो जब धमका दो, जब मर्जी प्यार से समझा दो, लेकिन पहले वहाँ तो देखो जो दूसरे आ रहे हैं। अनुरोध है जी हाथ जोड़कर, अब की बार तो पैर पकड़ के भी है। आपने कहा था सिक्योरिटी के लिए कि जितना सिक्योरिटी परेशानी मुझे किया जा रहा है, अगर उस बेटी के लिए किया जाता, बिल्कुल बिल्कुल में रेप जो कांड हुआ, बिल्कुल है, नहीं होता, बिल्कुल कहा मैंने ये वाली बात, इसलिए कही। देखिए, बाद में आपने देखा था ये एक हाथरस वाला हुआ था जो बच्ची का बलात्कार हुआ था, अगर उस पुलिस को जो रात को 2 बजे उस बिटिया का इन्होंने अंतिम संस्कार किया, उसको अच्छे से पूरे सहयोग से उसके परिवार वालों को देते उसका शव, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता। लगता कि नहीं लगता? और भी हमारे थोड़ी सी कुछ ऐसी जगह हो जाती हैं जहाँ पे शाम वाम के टाइम में निकलने में दिक्कत होती है, गाँव में थोड़ा सा पुलिस को वहाँ पे भी भेजें। गाँव में ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि शहर में थोड़ा चहल पहल रहता है, गाँव में बहुत दिक्कत है इस चीज़ की, तो पुलिस को वहाँ तैनात करें। मेरा अनुरोध है सभी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि 1-2 वहाँ पर लगाएँ सिक्योरिटी में। तो इसलिए मैंने तो सही कहा जहाँ तक मेरा अंदाजा, अगर मैंने गलत कहा हो तो क्षमा चाहती हूँ सभी से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।